सीटें 2 घंटे वोटिंग के हो चले हैं। सीधे पटना का रुख कर लेते हैं, जहां पर महागठबंधन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला लाइव। कि लोगों को ढूंढ ढूंढ करके पीटा जा रहा है, बल्कि बैठा करके लोगों को पीटने का काम किया है। हमारी संवेदनाएं जिन परिवारों में उन्होंने अपना चिराग खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री है, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है। और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? आप सब लोग जानते हैं कि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है, और हमारी मांग यही है कि इस घटना की जांच कराई जाए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से हाई कोर्ट मॉनिटर जांच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और खास तौर पे जो वहां डीएम और एसपी हैं, तात्कालीन उनको वहां से हटाना चाहिए, तात्कालीन। आपको पता होगा पुलिस महकमे में जिसकी वहां जिम्मेदारी है, वो एक जदयू नेता की बेटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो जनरल डायर का जो बनने का जो आदेश कहीं ना कहीं से जरूर गया है। इसलिए हम लगातार कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरीके से चरमरा सी गई है। बिहार की पुलिस को हमने नहीं देखा कि अपराधियों का साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए, बल्कि नौजवान मासूमों को जिस प्रकार से पीटने का काम किया गया है, ये बहुत ही गलत किया गया है। और कानून व्यवस्था के सवाल पर अगर खड़ा किया जाए, तो यही बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने कहा था पितृपक्ष के महीने में, हाथ जोड़ के थे कि ये अपराधी घर अभी माफ कीजिए, अभी छोड़ दीजिए, बाद में अपना अपराध जो है वो कंटिन्यू रखिएगा। तो इस तरह का बयानबाजी अगर डिप्टी सीएम किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री अगर अपराधियों के सामने घुटने टेक दे, माफी मांगे, तो क्या हो सकता है उसका अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं। तो ज्यादा कुछ इस पे हमको नहीं कहना, लेकिन जो डबल इंजन बीजेपी के लोग लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करते थे, कहीं ना कहीं से आज वो फंसे हुए हैं, और इस पे उनको खुल करके अपनी बात को रखना चाहिए, स्पष्टीकरण देनी चाहिए कि आखिर किसके आदेश पे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो हम ज्यादा इस पर ज्यादा कितना टिप्पणी नहीं करेंगे, चाहेंगे कि रणदीप सुरजेवाला जी अपनी बात को जो है आप लोगों के सामने रखें। बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी ने
अपनी बात बड़े सटीक शब्दों में आपके सामने रखी। मुंगेर में जो नरसंहार हुआ, जिसकी तुलना उन्होंने जनरल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियों से भी की। पूरी तरह से चरमरा गई है और जनरल डायर की तरह बता हुआ है।